जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने गुरुवार को विकास भवन से जीरो टिलेज मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जीरो टिलेज मशीन से गेहूं की खेती, कृषि यंत्रीकरण योजना, गेहूं, चना, मसूर आदि का बीज वितरण, डीएपी की जगह पीएसबी का खेतों में प्रयोग विधि, जल जीवन हरियाली योजना का लाभ मिल सकेगा। मशीन से उचित गहराई से बीज बोने और उनके आसपास मौजूद छोटी छोटी नालियों की वजह से पानी अच्छी तरह से उन तक पहुंच पाता है। इससे पानी की बर्बादी कम होती है और पैदावार भी अच्छी होती है। साथ ही पानी, ऊर्जा और जमीन की उर्वरता की कमी भी पूरी करता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप कृषि निदेशक संजय सिंह ने कहा, कृषि विज्ञान केंद्र को पूरी तरह से महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र सब कोई बड़ा पेड़ का कार्यक्रम करिए तो बताइए डीएम का। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत गेहूं की जीरो टिलेज विधि से बुआई। जीरो टिलेज का मतलब ये होता है कि धान कटने के बाद बिना खेत को जोते सीधे गेहूं की बुआई करते हैं। उससे एक तो हमें पलेवा के या में जो सिंचाई का खर्च होता है वो बच जाता है, खेत की जुताई करके तैयार करने का खर्च बच जाता है, तो लागत कम होती है और पैदावार उतनी या उससे ज़्यादा होती है। तो ये एक अच्छी विधि है। ITC करीब 96 गाँव में ये काम कर रहा है और कृषि विभाग के सहयोग से कृषि विभाग के सारे कर्मचारी 40,000 हेक्टेयर में लक्ष्य रखा गया है कि हम जीरो टिलेज विधि से सिंचाई करेंगे। और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि जब वो पराली खेत में जुत जाती है तो खेत में वो जलाने की नौबत नहीं आती है, तो और वो सड़के खेत में ही खाद बन जाती है। तो दोहरा लाभ है, एक तरफ लागत भी कम हुई, पराली भी नहीं जली और उत्पादन भी बढ़ गया, खेत में ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ गया। तो एक अच्छा कैंपेन है, ITC के सहयोग से कृषि विभाग चला रहा है और DM साहब के मार्गदर्शन से हम लोग इसको पूरी मजबूती से जो 40,000 का लक्ष्य है वो हम पूरा करेंगे।